मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनने वाला नाश्ता बनाएंगे, ब्रेड पोहा, जिसे कि बनाना इजी है और बहुत ही हल्का फुल्का और चटपटा सा नाश्ता है। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 से 5 ब्रेड के स्लाइस, आधी कटोरी भुने हुए मूंगफली के दाने, बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का कच्चा आलू, पतला लंबा कटा हुआ 1 प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच अमचूर का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। तो ब्रेड का पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 से 5 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, तो इन्हें हम छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ेंगे और मिक्सर के जार में डालेंगे। और हल्का सा पीस कर इनका चूरा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ब्रेड का चूरा हमें बिल्कुल इस तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर आधी कटोरी हमने लिए हैं मूंगफली के दाने, तो ये जो मूंगफली के दाने हैं भुने हुए हैं, तो इन्हें भी हम मिक्सर के जार में डालकर हल्का सा इनको पीसेंगे, दरदरा सा इनका चूरा बना लेंगे। बिल्कुल इस तरह से हमें इनका चूरा बनाना है। कटोरी में निकाल कर इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो अब हम ब्रेड का पोहा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाए तभी हम इसमें ऐड करेंगे राई, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ में ही ऐड कर देंगे प्याज। अब हम प्याज को चलाते हुए हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और जब प्याज इस तरह से फ्राई हो जाए तभी हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो आलू को आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक सा हमने कट किया है और कच्चे आलू को हमने यूज़ किया है, मिला देंगे। और साथ में ही ऐड कर देंगे टमाटर, तो टमाटर भी हमने 1 मीडियम साइज का लिया है, मिला देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और सारी चीज़ों को हमें मिला देना है। अब हम इसे ढक के रख देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। उतनी देर में आलू जो है गल जाएंगे और टमाटर भी अच्छे से पककर भुन जाएंगे। तो यहाँ पर अब टमाटर और आलू अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड के क्रम्स जो कि हमने पीस कर रखे थे, और साथ में ही ऐड करेंगे मूंगफली के दानों का चूरा जो कि हमने पीसा हुआ था। दोनों चीजों को एक साथ मिलाएंगे। और जब अच्छे से मिला दें तब हम गैस का फ्लेम मीडियम पे कर देंगे और लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक इसे हमें भूनना है। तो यहाँ पर जो हमने मूंगफली के दानों को पीस कर इसमें ऐड किया है उससे जो ब्रेड का पोहा है बिल्कुल खिला खिला बनेगा। तो अब जो ये ब्रेड का पोहा है बनकर तैयार है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अमचूर का पाउडर, चाहे तो आप इसमें नींबू का रस डाल दें 1 चम्मच। और थोड़ा सा डाल दें ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिला दें और बस गर्मा गर्म इसे आप चाय के साथ सर्व करें। इसे आप सुबह के नाश्ते में बनाकर तैयार कर सकते हैं
और बहुत ही कम समय में ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो इसे बची हुई ब्रेड से भी बना सकते हैं। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।